हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रेविटी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपके साथ पोटेंशियोमीटर की वर्किंग डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू, आप वीडियो को एंड तक देखिए, अंत तक देखिए, और आपको पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों, आप पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए सारे सर्किट भूल जाएं, सिर्फ एक सिंपल छोटा सा सर्किट ये वाला ध्यान रखें जो मैंने बनाया है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप, मेरी सजेशन है कि आप इस सर्किट को अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। इसमें मैंने दो आइडेंटिकल सेल लगाए हैं और साथ में गलवेनोमीटर शो किया है। तो हम बता सकते हैं कि आइडेंटिकल सेल लगे कैसे हैं, वो भी नोट कीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो सिंपलेस्ट हम बता सकते हैं कि गलवेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुएगी, जीरो डिफ्लेक्शन है। अगर आपको ये सिंपल सा सर्किट समझ आता है तो पोटेंशियोमीटर की जो वर्किंग है वो बेसिकली यही सर्किट है, नथिंग एल्स। तो चलिए, मैंने मेन पोटेंशियोमीटर का सर्किट बना के रखा है ताकि हमारा कम से कम टाइम कंज्यूम हो। तो इस मेन सर्किट के अंदर ए बी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर ली गई है। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज अपनी तरफ से असाइन कर ली हैं, मान ली हैं। आप अगर ऐसे समझेंगे तो आपको एक फील आएगी कि कहाँ पे क्या चीज़, क्या पैरामीटर कौन सा चेंज हो रहा है। तो ए बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ मैंने 100 सेंटीमीटर मान ली है और उसकी रेजिस्टेंस मैंने मान ली है 90 ओम। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये डाटा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। और ये ड्राइविंग सेल है जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट मान ली गई है और ये एक रियोस्टैट है 10 ओम की। इस वाले सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट भी कहते हैं, ये वाला जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट, और ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। ई डैश इज द अननोन सेल जिसकी वैल्यू हमने मेजर करनी होती है। तो पहले शुरू में हमने मान लिया कि ये सेल कनेक्ट ही नहीं है, स्विच डिसकनेक्टेड है। तो चलिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्किट तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो दिस करंट कैन बी रिटन एज ई आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, 100 डिवाइड बाई 90 प्लस 10, 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वी ए बी इज आई इंटू आर, आई 1 एम्पियर है और ये आर हमने 90 ओम मानी है, तो ये 90 वोल्ट आ जाएगी। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फुल पोटेंशियोमीटर वायर। अगर हम इसको पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो एक पैरामीटर आ जाता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इट कम्स आउट टू बी 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो मेरी सजेशन है कि आप पॉज करके इसको दोबारा सुनिए। पहले आपको ये स्टेप यहाँ तक निकालना आना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू लेके निकाल सकते हैं। अब हमने ये जो सेकेंडरी सर्किट है जिसमें कि ई डैश की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया और ये स्विच है। तो लेट अस से कि हमने ये स्विच कनेक्ट किया। स्विच कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी, तो हम जोकी को एडजस्ट करते हैं। तो लेट अस से इस पोजीशन पे आके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। तो जब लेंथ हमने मेजर की, इट कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। दिस लेंथ कम्स आउट टू बी, इसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। अब आप दोबारा इस सर्किट को ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये पॉइंट ए डैश मान लेता हूँ और ये पॉइंट जे डैश मान लेता हूँ, गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई जीरो, नो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स जो पोटेंशियल ए और जे के अक्रॉस है वही पोटेंशियल ए डैश और जे डैश के क्रॉस होएगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम सर्किट। तो जो पोटेंशियल अगेन ए जे के क्रॉस है वही ए डैश और जे डैश के क्रॉस होएगा। जो पोटेंशियल ए डैश और जे डैश के क्रॉस होएगा वही ई डैश की वैल्यू है,
क्योंकि इस कंडीशन में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, इट मींस यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होएगा, तो बी ए डैश जे डैश इज नथिंग बट इक्वल टू ई डैश। चलिए अब हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ चुकी है 40 सेंटीमीटर, और हमें ये भी पता है पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये है, जिसको हम के कहते हैं। तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मैं 40 सेंटीमीटर जो कि बैलेंसिंग लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये पूरी लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 36 वोल्ट। वही ए डैश जे डैश की वैल्यू है, वी ए डैश जे डैश की वैल्यू है, या हम कहेंगे अननोन सेल की वैल्यू है 36 वोल्ट। तो आप दिस इज माय सजेशन कि आप वैल्यू चेंज करके एक बार दोबारा इसको करके देखें, आपको प्रॉपरली सारी कैलकुलेशन मीट करेंगी और आपको समझ आएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको पूरी फील आएगी, ध्यान से समझेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि अगर हम ये जो आर है इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, बाकी सेटअप ऐसे ही है सारा कुछ, तो बैलेंसिंग जो पॉइंट है, मतलब ये जो जे वाला पॉइंट यहाँ बैलेंस हुआ है जो कि, वो लेफ्ट या राइट किस तरफ शिफ्ट होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, ये आर इंक्रीज करने से सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट कम हो गया, यहाँ से आर बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो वी ए बी which is equal to I into R, इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया, R को तो हमने चेंज नहीं किया, I कम हो गया, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। जैसे ही ये वैल्यू कम होएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये E डैश की वैल्यू फिक्स है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, इसका मतलब लेंथ विल इंक्रीज, ताकि ये दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टू द राइट साइड। पहला क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल ये बनता है। सेकंड, अगर मैं ए बी की लेंथ बढ़ा देता हूँ, ए बी की लेंथ बढ़ाता हूँ तो सीधा आप देखिए यहाँ पे एल बढ़ने से के की वैल्यू कम हो जाएगी, के की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर बैलेंसिंग पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप देखें के पे क्या इफेक्ट आ रहा है, के कम हो रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, अदरवाइज वाइस वर्सा। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अगर हम आर डैश की वैल्यू में कोई चेंज करें तो बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये बैलेंस हो गया है तो आर डैश की वैल्यू का इसकी इसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश करें। अब मैं इसका एक लास्ट सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ जिसको कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट कहते हैं, तो उसको भी मैं आपको वैल्यू लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका पार्टिसिपेशन सेक्शन भी है, आप अपनी कॉपी में खुद ड्रॉ कीजिए, आपको समझ आएंगी चीजें। जैसे मैंने क्या किया है, ये स्विच लगा ही हुआ है, यहाँ मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया, लेट अस से हम इसको आर डैश ले लेते हैं, और यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं एस डैश, ये स्विच लगा लेते हैं। तो शुरू में बाकी सर्किट वैसे ही है, हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया, तो एस लगा हुआ था, एस डैश डिसकनेक्ट है, ये ऐसे बैलेंस हुआ हुआ है, और हमने निकाला है कि ई डैश की वैल्यू जो है वो 36 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं ये स्विच कनेक्ट कर देता हूँ तो बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट या राइट किस तरफ शिफ्ट होएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको, कि अगर जब मैंने इसको एस डैश को कनेक्ट कर दिया, पहले ये दोबारा समझें, ये सेल बैलेंस, ये कनेक्टेड नहीं था, ये सेल बैलेंस था, कहीं कोई करंट नहीं चल रहा था। अब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है, पहले करंट नहीं चल रहा था लेकिन अब करंट को एक पाथ मिलेगा तो करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। हमने ये ढूंढना है कि बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क आ रहा है,
करंट के चलने से जो ए डैश जे डैश का पोटेंशियल है, ए डैश जे डैश का पोटेंशियल ई डैश के बराबर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी कि ये 36 वोल्ट है, इस कम्स आउट टू 36, ये हमने पहले कैलकुलेट की थी ई डैश की वैल्यू 36 वोल्ट। और यहाँ पे मैं वैल्यू इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू 1 ओम है और ये 5 ओम है, तो अब इस सर्किट में जो करंट चलेगा दैट इज 36 डिवाइड बाय 6 दैट इज 6 एम्पीयर। और अब जो जो हमें बैलेंस करना है वी ए डैश जे डैश दैट इज इक्वल टू आई डैश into R dash, it comes out to be 6 × 5, 30 volt। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम 36 volt balance नहीं कर रहे हैं, 30 volt balance कर रहे हैं। तो 30 volt balance करने के लिए balance point left side में shift हो जाएगा। Last question मैं इस section का पूछ रहा हूँ, आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये R dash की value को बढ़ाते हैं तो balance point किस तरफ जाएगा? अगर हम R डैश की वैल्यू को बढ़ाते हैं, राइट, फटाफट आप अपना, मेरा सजेशन है कि आप पॉज करके अपने आप फाइंड आउट द आंसर, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R डैश तो इस सारे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो वी ए डैश जे डैश, करंट कम हो गया लेकिन हमने ये वैल्यू बढ़ा दी है, तो अल्टीमेटली वी ए डैश जे डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको क्विकली कैलकुलेशन दे रहा हूँ, अगेन देखिए ऐसे करते हैं कि ये 1 ओम है तो मैं इसको 11 ओम कर देता हूँ। नाउ द करंट आई डैश इज 36 बाय 12 दैट इज 3 एम्पीयर, तो वी ए डैश जे डैश इज 3 × 11 33 वोल्ट। ध्यान दीजिए पहले हम 30 वोल्ट बैलेंस कर रहे थे, नाउ आर डैश की वैल्यू बढ़ाने से ये 33 वोल्ट आता है, 33 वोल्ट बैलेंस करने के लिए बैलेंस पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होएगा। बच्चे ये दिस वाज माय एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियोमीटर द सिंपलेस्ट मेथड। आप प्लीज इसको एक दो बार वीडियो को देखिए और वैल्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द क्लास, एंजॉय द फिजिक्स और मेरे बाकी वीडियो भी देखिए जिसमें कि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस लेके टॉपिक को समझाया गया। थैंक यू वेरी मच।